गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। सो गाइस जैसे आप देख रहे हो ना, आज हम कल किधर बैठे हैं, हमने शुभम भाई के साथ भाई सोए थे तो हम भाई को थोड़ा रेस्ट दिया था, अभी भाई चलने लगे और हमने भी अपना थोड़ा रेस्ट करने का सोच लिया। चलो ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और शुभम भाई बढ़िया सब बढ़िया। तो अभी हम चले हुए तो अभी अररिया नहीं पहुंचे। अरे ठाकुरगंज पार किए हैं, सुबह के बज रहे 10:30। ठाकुरगंज अभी पार किया, लगा रात को 2-3 घंटे एक जगह जाम लगा रहा, फिर 5 घंटे जाम पे खड़े थे। 5 घंटे मान लो यार, क्या बताएं, जब तक मैं सोया हूँ तब क्या ही बोले भाई साहब। तो अपना बाकी चलते हैं आगे जाके कहीं करेंगे स्टॉप। कितना किलोमीटर अभी? 1800। हाँ इतना तो होगा। चलो आगे से दूर है बेटे, पर आने दो भाई। तो अभी रुके हुए थे हम, निकल पड़े हैं शुभम भाई के, ये साइड के गाड़ियां थी भाई, मुलाकात कर रहे थे तो हम भी रुके साथ में। चलो यार भाई से अपने उधर रायपुर साइड की गाड़ियां थी तो अब चल पड़े वहां से। हाँ तो निकल आए भाई, अभी ऑफ रोड, इधर भी थोड़ा सा कच्चा रोड है, बन रहा है रोड, ये ब्रिज का काम चला हुआ है। और एजाज भाई चल रहे हैं कंटिन्यू, तो अपना भी चल ही रहा है काम सफर। सोना है यार, थक गए रात को, अपने शुभम भाई की गाड़ी में था तो उसके बाद दो घंटे सोए थे, लेकर नींद भी वैसी खुल गई, धूप लगी जैसे ही आंखों में तो फिर मैं उठ गया। तो अभी चलो चलती गाड़ी में थोड़ा हवा लगती रहती है, फिर बंदा सो जाता है, क्यों भाई लोग को। तो कुछ इस तरह की जगह में पहुंच गए हैं। सो गाइस ये जा रहे हैं अपने शुभम भाई, CG04 वाला किंग, आसाम किंग नहीं ये पूरा, इधर काट खा रहे लोग काट के। तो भाई चल रहे हैं अररिया पहुंचने वाले हैं, मार्केट है छोटी सी, यहाँ के लोग साइड नहीं होते, रोड नहीं छोड़ते, चेक करो मार्केट। सो गाइस पहुंच आए हैं अररिया और अभी हम यहाँ से थोड़ा रंग साइड ही जा रहे हैं क्योंकि आगे से चढ़ेंगे यहाँ पे हैं कट है, ये आगे बजरी माफिया, बड़े बड़े माफिया है भाई। अरे रुक जा रे भाई, अभी हम उस साइड में घुस जाएंगे भाई तो फिर खाएंगे, क्या खाएंगे खाना। सो भाई अभी हम इधर पहुंचे थे अपना, क्या बोलते हैं जगह को, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी? सीतामढ़ी नहीं, जगह का नाम सीतामणि। सीतामणि जो अररिया पार करके दरभंगा होगा, यहाँ से मान लो 60-70 किलो। तो ये रही अपने शुभम भाई वाली गाड़ी, और शुभम भाई भी हैं अभी, नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं, खाना वगैरह भी हो गया भाई। बताना कैसी लग रही है, चेक करो भाई CG04। गर्मी कैसी है? देख तो रहे हो बहुत गर्मी है यार, मैं सो रहा था तो सो नहीं पाया। अब चलते हैं, मेरे को लगता है आस्ते आस्ते निकलते हैं आगे कहीं, दरभंगा पार करके कूलर चालू करके चाय शाय पी लेंगे, फिर थोड़ा शाम के टाइम खाना भी हैवी हो गया, लस्सी पी लिए दो तीन ग्लास। लस्सी पिया? टाइट हो गया। अब लेने भी गया मस्त नमकीन बना टाइट। तो भाई अपना सफर आप कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि कल का दिन पूरा वेस्ट चला गया, हमारा सफर ही नहीं निकला ना। 1500 किलोमीटर है अभी भी यहाँ से, यहाँ से अमृतसर 1800, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है। 1000 बरेली? हाँ तो बरेली से होगा 600 किलोमीटर, 600-700 हो गया ना, 1600-1700। तो चलो कंटिन्यू रखते हैं सफर अपना। सो गाइस रुके हुए थे तो अभी एक काम करते हैं, चलते हैं अपना सफर कंटिन्यू रख के। चलो
चले जात भाई, खाना जाना हो गया। तो भाई खाना वगैरह खा के अभी बैठे ही थे, हमने सोचा चलो चाय वगैरह पी के कैंप शैम होके निकलते हैं, नहीं तो अपना सफर अब कंटिन्यू रखेंगे यार। कल तो सफर निकला नहीं है, आज निकालेंगे, कोशिश करेंगे सुबह तक लखनऊ के आसपास पहुंचने की। नहीं इसको क्या बोलते हैं, बुरा खाया गया उस समय? हाँ खाया था मैं, मस्त था, प्लेट उधर ही पड़ी हुई है भाई। तो चेक करो ये वाले घास मैंने लगाया था यार, ये वाले लगाएंगे ना अभी सबन पे नया। हाँ वो वाली लगाएंगे, मस्त है। अभी भाई इस चक्कर के बाद देखना शुभम भाई के व्लॉग में देख लेना, जाके सब्सक्राइब कर लो, जाके सब्सक्राइब कर लो शुभम लव और बत्तर छत्ती सर्च मार के, लिंक भी मिला होगा यहाँ जाके, उधर भी कर लेना जाके क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो यार, करवा दो भाई को भी 10K के भाई, अभी मोबाइल लेने वाला है भाई, आप भी लाओगे भाई बोल रहा मेरे भाई को मोबाइल दिला दूंगा, 10K के करवा दो बस। कौन सा मोबाइल लेना है भी कमेंट कर, मोबाइल के लिए भी कमेंट कर देना कौन सा लेना है। भाई का बहुत बड़ा ड्रीम है, मेरे को लगता है इसी चक्कर जाके कहीं अगर करवा दो इसी चक्कर ले लेंगे फोन, है ना। इस चक्कर नहीं हुआ कुछ भी हो जाए तो बाकी यहाँ खड़े हैं तो फिर क्या ही बताओ आप भाई। कहीं भाई लोग बोलते रहते हैं यार गाड़ी वालों को बहुत पैसा बचता है भाई, ऐसा मतलब किसी की बातों में बात हो ना, जिसको नॉलेज है गाड़ी के बारे में तो पता है हाँ भाई इतना, लास्ट में भी जाता है मजा, ऊपर भी जाता है कभी नीचे भी आता है, तो ये सोच के लेना है बस, ये सोचना कि बैकअप पीछे है तो ठीक है। नहीं नहीं अब बहुत पैसे बचते हैं, ले लो 16-16 टायर ले लो चलाते रहो ऊपर वाले। भाई 16-16 टायर भी ले लेता है बंदा, गाड़ी तो लेने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ आती है, जो बंदा खुद ड्राइवर है ना वो तो चलो कर लेगा पार। अब जिसके पास जो भाई ड्राइवर ही नहीं है, बोल रहा है गाड़ी लेके मैं ड्राइवर चढ़ाऊंगा, तो वो भाई उसको तो हमारी तरफ से बस यही कहना है कि भाई घर पे अपना देख के अपने हिसाब से ले लो, हम नहीं सजेशन देते कि हाँ भाई आप लो या ना लो, लो या ना लो, हम ये भी नहीं बोलते कि आप लोगे तो हमारे को फर्क पड़ेगा, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी किस्मत का बंदा खाता है, लेकिन हम ये कहते हैं चलाओगे खुद टायर खोलोगे खुद बार भी चढ़ाओगे। हाँ रस्सी काटना है उसके, वही तो अब हमने जैसे हम चला रहे हैं तो हमको पता है यार ड्राइवर भाग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, यार ऊपर गिर के पहुंच ही जाएंगे ठिकाने, तो बाकी चलो अपने जितना अपने लायक है भाई बताएंगे, बाकी ऐसा नहीं है हम नहीं बोलते भाई कि ये है हमारे को 200K करवा दो 500 करवा दो, 30 ही करवा दो, है ना 30K ही करवा दो। अरे आप लोग बस देखते रहो बस फुल सपोर्ट बनाए रखो यार, बस इंजॉय यार, मोटिवेट मिलता है यार, बंदा जब कमेंट प्यारे से कमेंट पढ़ता है ना दिल अंदर से खुश हो जाता है, यहाँ से बंदा सोचता है यार अपने YouTube फैमिली है साथ में, आप लोग देखते रहो बाकी कोई चक्कर। तो निकलते हैं भाई, खाना वगैरह खा लिया था, शुभम भाई भी है साथ में पीछे, अभी निकलते हैं फिर यहाँ से हाईवे पे चढ़ के, और बहुत सफर है भाई, अभी पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आ रही है कार। तो गाइस वहां से चले थे 40-50 किलोमीटर ही चले तो ये टायर ही फट गया है भाई, यहाँ से ब्लास्ट ही हो गया, क्या बताएं भाई किस्मत ही अपनी खराब चल रही है, आजकल टाइम माड़ा चल रहा है तो क्या करें भाई, हो गया आज किसका काम ही तमाम ब्लास्ट।
ये वाला टायर हो गया ना, 21-23 का पाना है, 21-23 का पाना है, जैक भी दे दो ना, लगा दो कर दो ताऊ, कर दो यार ताऊ। भाई चले थे 40 किलोमीटर हमारे से चले तो पत्थर लग गया यार इसको, मेरे को लगता है पत्थर लग गया ना, पत्थर ही लगा इसको। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है प्यार में, हमने ये अपना छोटू बेचारा मेहनत कर रहा है, बहुत लगा रहा है चेक, क्या करे टायर भी यार, टायर भी तो बेचारे 1 लाख चल गए, जाल लोगे क्या? एक ये बेचारा पड़ा कब से, अभी चिटनी मिलने वाली है इसको भी, मिल जाएगी ना क्या, जोड़ा मिलेगा, हाँ आप तो लगाना ही पड़ेगा। चलो लगा लेंगे यार, कितना बेचारा चलना चाहिए, 1-2 महीने और वो बस है। चलो यार क्या करना है, अब किस्मत में जो लिखा ये लिखा है राजा टायर सर्विस। लिफ्ट ऊपर उठाओ। गाइस अभी हम पहुंचे हैं दरभंगा में, पहुंचने वाले हैं, ये रही अपने दोनों गाड़ियां और टाइम क्या हो चुका है, ये कुछ इस तरह का यहाँ लिखा है, हिंदी में लिखा है या क्या, भोजपुरी में हिंदी है, तो चाय वगैरह पीते हैं भाई। तो ये रही भाई शुभम भाई की गाड़ी, ये रही अपनी, यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं फिर निकलेंगे। एक गाड़ी अपने के साथ एक कैंपर लगी हुई है, ये दरभंगा से जो पहले टोल प्लाजा है, चेक करो भाई दोनों गाड़ियाँ, ये आगे शुभम भाई की गाड़ी और उधर अपनी, चाय बना लो। तो भाई पहुंचे हैं अभी मुजफ्फरपुर, क्रॉस किया और अभी खाते हैं भाई खाना, तो कंटिन्यू रखेंगे सफर। चलो अपना आ गया खाना भाई, ये भी है दही फ्राई, चलो फिर खाते हैं। ये ढाबे था यहाँ पे। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जीके 12 वाले वीर। तो गाइस जैसा कि आपको पता है हम पिछले व्लॉग में कहाँ पहुँचे थे,